जैसे हम अखिलेश का झंडा ऊंचा करें तो अखिलेश क्या काम कर रहा है उसके लिए झंडा ऊंचा करें। उन्होंने जो काम किए, अखिलेश की जो बात की जाए तो अखिलेश अच्छा व्यक्ति है, मैं उसको समर्थन करता हूँ, लेकिन उनकी जो पार्टी में चच्चा और पप्पा लोग हैं ना, वो बहुत दिक्कत कर रहे हैं। पैसे की सरकार है, ठीक है, और वो जो कहती है कि मैं दलितों के साथ में हूँ, उनके साथ हूँ, कहीं कुछ किसी को कोई दलितों के साथ नहीं, सिर्फ जेब भरने के लिए साथ में है और कुछ नहीं, जो पैसा दे वो उनके पास आए। पहले बहन जी क्या उसको समर्थन, बहन जी को बदल करके फिर अखिलेश यादव को ले आए, मक्कार है नंबर वन। तो कह रहे हैं कि कोरोना था इस वजह से इतना पड़ गया। क्या था, कोरोना नहीं था, क्या कोरोना था, कोरोना 10% था, उसको दिखाया गया 90%, 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज मुख्तार है। क्या लग रहा है इस बार सत्ता पे कौन आने वाला है? मैडम सत्ता पे देखिए, इस टाइम जो जिस हिसाब से चुनावी माहौल बना हुआ है और रैलियों का जो जमावड़ा चल रहा है, वो तो फिलहाल तो अभी तक तो समाजवादी की चीज़ें सामने काफ़ी नज़र आ रही हैं। तो क्या सिर्फ रैलियां निकलवाने से हो जाएगा? नहीं, रैलियां निकलवाने से नहीं, सबसे बड़ी चीज़ की क्या कहते हैं, जो लोगों की महंगाई और क्या कहते हैं पेट्रोल के दाम, और जिस तरीके से क्या कहते हैं 5 रुपये घटा करके और 20 रुपये चीज़ों में अलग अलग लिए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए तो ये कोई महंगाई नहीं कम की, ना पेट्रोल कम किया है। अगर 5 रुपये कम किया है तो 50 रुपये 100 रुपये कहीं से वसूले जा रहे हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि महंगाई इस बार मुद्दा बनेगी विधानसभा चुनाव में? बहुत जोर शोर से मुद्दा है, और महंगाई समझ लीजिए कि आम आदमी की कमर टूट गई। एक तो ये कोरोना से कमर तोड़ दी गई है पूरी, ठीक है, कोरोना का बहाना बना बना करके हर चीज़ों को किस तरीके से लोगों की गरीबों की जीवों से पैसा निकाला जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हर आम आदमी परेशान हो चुका है। तो क्या अखिलेश यादव की सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं मैडम, महंगाई रहती है, ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं रहती, मगर जिस तरीके से महंगाई, ये इन 5 सालों में महंगाई बढ़ी है। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना था इस वजह से इतना पड़ गया। कोरोना क्या था? कोरोना नहीं था, क्या कोरोना था, कोरोना 10% था, उसको दिखाया गया 90%, 100%। कोरोना तो कुछ नहीं था, कोरोना तो एक बहाना बनाया गया। कोरोना अभी ओमिक्रॉन आ रहा, नया कोई लेकर के आ रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में देखिएगा 1-2 महीने में वो सब चीज़ें भी बांध दी जाएंगी, तो झेलेगा कौन, गरीब तबका, मिडिल क्लास, ठीक है, वो तो बड़ी गाड़ियों में बैठे घूम रहे हैं, जितने भी आपके क्या कहते हैं पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो हम लोगों के ऊपर पड़ा है ना, हम लोगों को यहाँ पे नौकरी करते हैं, 30% तनख्वाह काट करके दे दी जाती है, 30% में हम अपना परिवार चला लेंगे। सही बात है। बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगी क्या इस बार? तो मुद्दा ऐसा है कि क्या कहते हैं मैडम, आप ये समझ लीजिए कि आप देख ही रहे हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग परेशान हैं हर चीज़ों को। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं उन्होंने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी और प्राइवेट जॉब। कागजों पे है, सिर्फ कागजों पे। आपके परिवार में या हमारे परिवार में या किसी परिवार में कोई नौकर हुआ है? कागजों पे सड़क बन गई, गड्ढा मुक्त हो गई। अखिलेश यादव की सरकार में क्या नौकरियां दी गई थी? क्या नौकरी मैडम दी जाती हैं, मगर जितनी कही जाती है उतनी मिलती भी है, ठीक है, मगर कागजी कार्रवाई नहीं होती है। कागजी कार्रवाई आप जो है क्या कहते हैं, मतलब बीच में रोक दी जाती है बस ऐसे निकलवा के वैकेंसी। बिल्कुल। तो इस बार पूरे समर्थन में आप अखिलेश जी के? बिल्कुल, हम तो हाँ ही, हम तो पहले से भी हूँ, आज भी हैं। पहले भी अखिलेश जी को ही वोट दिए थे? पहले बहन जी क्या उसमें समर्थन, बहन जी को बदल करके फिर अखिलेश यादव को ले आए, झूठी मक्कार है नंबर वन की। अच्छा, क्यों वोट दिए थे फिर बहन जी को क्यों वोट दिए थे? भाई वो पैसे की सरकार है, ठीक है, और वो जो कहती है कि मैं दलितों के साथ में हूँ, उनके साथ हूँ, कहीं कुछ किसी को कोई दलितों के साथ में नहीं, सिर्फ जेब भरने के लिए साथ में है और कुछ नहीं, जो पैसा दे वो उनके पास आए। मतलब कि इस बार लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों में है, बीजेपी और समाजवादी। बहुत बढ़िया, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं विद्यासागर वाजपेयी। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है वापस? सरकार वापस आएगी या बदल दी जाएगी? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा बदलने की चांसेस हैं, अभी तो फिलहाल योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो सही कर रहे हैं, ऐसा कोई क्या क्या बढ़िया काम लग रहा है बता दीजिए एक बार। अभी जो निजीकरण के लिए बात हो रही है, तो जैसे निजीकरण की बात हो रही है, निजीकरण गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट पे आदमी जाना क्यों चाह रहा है, क्यों जाना चाह रहा है बताइए, आप बताइए। अभी जो दिक्कत हो रही है हम लोगों के लिए, हम जर्नल्स के लिए, ये भी जर्नल है मिस्टर जो बात कर रहे थे फैज भाई, कुछ हाँ नहीं वो तो अलग बात है, अल्पसंख्यक होना तो अलग बात है। फिलहाल जो निजीकरण वाली बात हो रही, जैसे हम लोगों की बात करें तो आरक्षण जो दिया जा रहा है, तो हम लोग आरक्षण में नहीं हैं, हमें आरक्षण खैर चाहिए भी नहीं। जो मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं निजीकरण को लेके,
तो आदमी जब निजीकरण हो जाएगा ना तो काम पे ध्यान दिया जाएगा, जब काम पे ध्यान दिया जाएगा तो फिर आदमी गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ काम जो काम करेगा ना वही स्टैंड करेगा। तो ये बात है और हम तो निजीकरण के समर्थन में हैं, समर्थन में। आप बहुत से लोग विरोध में भी हैं। नहीं, विरोध में तो देखिए जिनको कुछ जानकारी नहीं तो विरोध में हो सकता है। अब मुझे जानकारी है, आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण होना आवश्यक है। और क्या बाकी जो आपने बताया, चलिए ठीक है निजीकरण हो रहा है आप उससे समर्थित है, लेकिन बाकी क्या बेरोजगारी और महंगाई जो इतने सारे मुद्दे उठ रहे हैं ये सब नहीं मुद्दा बनेगा? पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी क्या? पर फिर भी अखिलेश योगी जी कह रहे हैं कि वो दे रहे, सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने को बोलेंगे तो अभी जो अंबानी जी हैं वो भी बेरोजगार हैं, जो बात करें अडानी की तो वो भी बेरोजगार हैं। रोजगार जो सिर्फ एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोलेंगे तो हम लोग सब बेरोजगारी तो हैं। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां अभी तो नहीं निकाली हैं। प्राइवेट क्या बात कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि वो निकाल रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही है लोगों को। क्या बात कर रही मैम? हमारे सर्वे हम लोग जो कर रहे हैं वही बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जिसको नौकरी चाहिए, जो काम करना चाह रहा है, आज ही दो दी है मैंने। नहीं, जिसको नौकरी चाहिए, कोई ऐसा बंदा है आपके पास जिसको नौकरी चाहिए? मैं दिलवा देता हूँ। आप दे रहे हैं अपने आना? बिल्कुल कतई, वो लायक होना चाहिए उस इमीडिएट। बिल्कुल, और क्या तुरंत, मतलब कि आपका कहना है कि क्वालिटी क्वालिटी पे बात की जाए। जो मैं अभी निजीकरण की बात कर रहा था वो यही बात है, गवर्नमेंट पे दौड़ रहा है जो, वो जो निजीकरण हो जाएगा ना तो जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो मुफ्त की कुर्सी तोड़ रहे हैं उनको फिर दर्द उनको है, मुझे नहीं। बात रही सरकार की, तो सरकार जो अच्छा काम करेगी उसका लोग समर्थन भी करेंगे और बहुत सारे लोग उसके अपोजिट में भी खड़े होंगे। अपोजिट में खड़े होने वाले भी, उनको भी ये नहीं पता है कि वो खड़े क्यों हैं। अब जैसे हम अखिलेश का झंडा ऊंचा करें तो अखिलेश क्या काम कर रहे हैं उसके लिए झंडा ऊंचा करें? उन्होंने जो काम किए, अखिलेश की जो बात की जाए तो अखिलेश अच्छा व्यक्ति है, मैं उसको समर्थन करता हूँ, लेकिन उनके जो पार्टी में चचा और पप्पा लोग हैं ना वो बहुत दिक्कत कर रहे हैं। मतलब कि योगी जी से आपको अभी मैं आपको बताऊं, अभी कोई जंगल राज नहीं चल रहा हमारे हिसाब से, कुछ ऐसा हुआ तो आप बताइए, बाकी दिखाने को तो बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, और आप गाड़ी के शोरूम में काम करते हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? महंगा हो रहा था ऐसा नहीं, ये तो खैर चीजें अंतरराष्ट्रीय मार्केट से होती हैं, उस पे ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है जो मैं फर्जी बात करूँ आपसे, है ना। बाकी ये है कि जो क्या जो आम जनता जो है उसकी जेब पे इसका सीधा असर पड़ रहा है, जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं। कौन सी गाड़ी है? मेरी बात छोड़िए, मेरा काम है सवाल पूछना, आप बताइए। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक टू व्हीलर भी है, एक फोर व्हीलर भी है। जितना मैं उस समय चलता था उतना मैं आज भी चल रहा हूँ, मेरी जेब पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है कि काम जैसे कर रहे थे वैसे अभी तो ज्यादा का पेट्रोल नहीं भराना पड़ रहा है। 100 रुपए में पेट्रोल हो गया तो गाड़ी दिखनी बंद हो गई हूँ। गाड़ी की क्वांटिटी उतनी चल रही है। अरे यहाँ पे हम लोग गाड़ी पूरी नहीं कर पा रहे। मतलब कि महंगाई है सर, महंगाई मुद्दा नहीं बनने वाली है? कहने की बात है, कोई महंगाई मुद्दा नहीं, अब कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना, योगी जी के खिलाफ में और मोदी जी के खिलाफ में कुछ तो कुछ देंगे ही। अभी जली तो हाई है ना, कॉरिडोर बन गया। मतलब कि आप पूरे तरीके कॉरिडोर की बात की आपने, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो तो हमने प्रस्तावित किया था और ये बस बनवा रहे हैं। लग रहा है ना कुछ तो कर रहे हैं ना, बनवा तो रहे हैं ना, इसके पहले उन्होंने नहीं बनाया। पर अखिलेश यादव तो गिनवाते हैं कि ये सब उनके काम है, योगी जी बस इन्हीं को आगे गिनवा रहे हैं। तो वही है ना कि फर्जी बात करने को, मतलब कि अखिलेश यादव सब फर्जी बात कर रहे हैं और योगी जी काम कर रहे हैं। बात नहीं कही ऐसे, गिनाने को और बताने को बहुत फर्क है ना, गिनाने बताने में। अखिलेश जी की बात, काम किसी और का है, फीता कोई और काट रहा है, सही बोले। वो चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो लग रहा है कि तुम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, है ना। बाकी विरोधी 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 4.5 साल का जो कार्यकाल था वो बता दीजिए। देखिए सब चिल्ला रहे हैं, सब जानना चाहते हैं आपसे, सब जानना चाहते हैं। एक से ये जो जानकारी लेनी है तो आपको बनारस जाना पड़ेगा। सुनिए तो, जो ये जानकारी चाहिए होगी तो आपको कुशीनगर जाना पड़ेगा। जो ये जानकारी चाहिए होगी तो आपको गोरखपुर जाना पड़ेगा। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में कुछ काम नहीं किया? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, फर्जी नहीं चिल्ला रहे, सबकी अपनी अपनी राय है, आपका मत अगर बीजेपी के साथ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 4.5 साल का भी जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का या योगी सरकार का, क्या अच्छा लगा ये बता दीजिए। देखिए बात करें तो कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना ही रहा, कहने को और करने में बहुत सारे फर्क होते हैं। अपराध की बात करें, अपराध कोई नहीं हुआ, कोई माफिया नहीं घूम रहा है, आज की डेट में माफिया सारे चीजें आप जान ही रही होंगी।